हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि इज वेजी जंक्शन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं एक बहुत ही स्पाइसी रेसिपी बनाना बता रही हूँ, जिसका नाम है कढ़ाई पनीर, जिसके लिए हमें रेस्टोरेंट जाना पड़ता है। परंतु रेस्टोरेंट में भी थोड़ा सा माइल्ड टेस्ट होता है। ये बिल्कुल ढाबा स्टाइल चटपटी कढ़ाई पनीर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये है कढ़ाई पनीर बनाने के इंग्रेडिएंट्स। इसमें मैंने एक प्याज लिया है बारीक चॉप करके, और एक टमाटर भी लिया है बारीक चॉप करके। आप चाहे तो ग्रेट कर सकते हैं, इसमें मिक्सी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इन सबको बारीक किस लीजिए या तो फिर चॉप कर लीजिए। और ये लहसुन अदरक लिया है, इसको भी मैंने कूट लिया है। साथ में एक कैप्सिकम इस तरह से बड़े बड़े कटे हुए, और प्याज एक बड़ा कटा हुआ, और तीन चार ग्रीन चिली बीच से चीरा लगा के। तो इसमें मैंने चार पांच ग्रीन चिली ली है, क्योंकि ये तीखी कम आ रही है अभी। अगर बहुत तीखी है तो आप कम डालिएगा, एक या दो डालिएगा। साथ में ये 2 किलो दूध का मैंने पनीर निकाला है, और घर पे ही निकाला है। आप अगर डेयरी से पनीर लेके आते हैं तो उसको फ्रिज का पनीर मत यूज़ कीजिएगा, उसको पहले रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा, उसके बाद ही उसको यूज़ कीजिएगा। तो सबसे पहले हम पनीर को कट कर लेते हैं। ये देखिए, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट पनीर है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको निकाला है, और फुल क्रीम मिल्क का पनीर है ये। इसमें मलाई नहीं निकालनी है। तो इसके हम इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस कर लेते हैं, क्योंकि कढ़ाई पनीर में थोड़े बड़े पीसेस ही अच्छे लगते हैं, सब्जियों के भी और इसके भी। ये देखिए, इस तरीके से कट कर लिया। अब हम सबसे पहले कढ़ाई मसाला रेडी कर लेते हैं। कढ़ाई मसाला बनाने के लिए मैंने एक पैन लो फ्लेम पे गैस पे चढ़ा दिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून साबुत धनिया डाली, और साथ में 1/2 टीस्पून जीरा, 10-12 काली मिर्च साबुत, और 1/2 टीस्पून सौंफ डाली। और इसको लो फ्लेम पे हमें ड्राई रोस्ट करना है, और उसके बाद दरदरा पीस लेना है, या इसे फिर दरदरा कूट लेना है। इसमें ध्यान रखना ज़रूरी है कि धनिया सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले ड्राई मसालों को एक बाउल में इकट्ठा मिक्स कर लेते हैं। इसके लिए 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, और कसूरी मेथी जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इसको हाथों के बीच में अच्छे तरीके से क्रश करके इसमें मिक्स किया। और इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और इसमें हमें धनिया पाउडर भी डालना है। तो इसमें 1/2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाला, और इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। तो इसको हम डालेंगे अपने कढ़ाई पनीर में। ये देखिए, हमारा कितना बढ़िया कलर का ड्राई मसाला पाउडर रेडी हुआ है। अब प्याज का मसाला रेडी करने के लिए मैंने एक कढ़ाई लो फ्लेम पे चढ़ाई, उसमें 2 टेबलस्पून घी डाला। आप चाहें तो बटर या दूसरा रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और इसमें फिर जो हमने ग्रेटेड प्याज लिया था उसको डाल दिया, और इसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। लेकिन ध्यान रखना है कि फ्लेम लो ही होनी चाहिए, तेज़ में इसको नहीं भूनना है। अब ये देखिए, हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है, बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अब हम इसमें अदरक और लहसुन जो हमने क्रश करके रखा था उसे डाल दिया। इसे भी हमने 1 मिनट तक भूना, और फिर उसमें ग्रेटेड टोमेटोज डाल दिए, और इसको भी हमें लो फ्लेम पे भूनना है। मैंने इसमें खड़े मसाले नहीं डाले हैं, क्योंकि मैं गरम मसाला यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च भी साबुत यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में ही। नमक भी इसमें ऐड कर दिया है। ये हमारा मसाला 5 मिनट हो गया है भुनते हुए, तेल इसने छोड़ दिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच सिका हुआ बेसन डालेंगे, सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसके कारण बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा कढ़ाई पनीर में। और हमने जो मसाला मिक्स बनाया था 1 कटोरी में, उसको भी डाल दिया, जिससे खूब अच्छा कलर आ गया है मसाले में। और हमने जो दरदरा मसाला पीस के रखा था उसको भी हम 1 चम्मच डालेंगे। एक ही चम्मच डालना है, क्योंकि अभी ये फ्रेशली बना हुआ है। अगर ये पुराना हो जाता है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन अभी इसमें खुशबू बहुत तेज़ है, इसलिए 1 चम्मच डालने से ही बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा इसमें सब्ज़ी में। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, फिर इसमें ग्रीन चिली हमने डाली, और हमारे जो अनियन और कैप्सिकम कटे हुए थे उसको भी मिक्स कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें ड्राई ड्राई हैं, इसलिए ये कहीं जल ना जाए, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जिससे ये अच्छे तरीके से भुन जाएगा, सिक जाएगा, हल्का सा इसमें पानी डाल के। ये देखिए, इस तरीके से चलाएंगे इसको, और इसके बाद हम इसमें अपना पनीर, जो कटे हुए पनीर थे उनको मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स किया इसको, और फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि ये सब्ज़ी थोड़ी थिक ग्रेवी की बनती है, बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाली पतली नहीं बनती है।
फिर वो आपकी इच्छा है, अगर आप ज़्यादा ग्रेवी पतली ग्रेवी खाते हैं तो आप उसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये थिक ग्रेवी में ज़्यादा अच्छी लगती है। इस तरीके से पानी डाला हमने, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसको ढक के कुक करेंगे जिससे सारे मसाले इसमें पूरे तरीके से लपट जाएंगे। अब देखिए 3-4 मिनट हो गए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक होते, खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया पनीर इस मसाले में पूरा मिक्स हो चुका है और हमारी सब्जी पूरे तरीके से कुक हो गई है। अब इसको हम बंद कर देंगे गैस को और इसको सर्विंग बाउल में निकालेंगे। बहुत अच्छा कलर आया है सब्जी का, देखिए। तो ये हमारा सुपर यमी कढ़ाई पनीर रेडी है और इसको हम एक छोटी सी कढ़ाई में सर्व कर रहे हैं। कितना बढ़िया कलरफुल लग रहा है और शाइन भी कर रहा है क्योंकि पूरा घी में बना हुआ है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार, आपको बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा। और इस कढ़ाई पनीर में लास्ट में 1 चम्मच बटर ज़रूर डालिएगा जिससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, पर ये ऑप्शनल है। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्ते, बाय बाय।